तो एक एक करके कई सारे हमले बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर। आपको तमाम बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त शंखनाद में जुड़ गए हैं। जल्दी से उनका परिचय करा देते हैं। बादल देवनाथ नेता टीएमसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, विशाल मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक है, सिद्धू बनर्जी जी नेता कांग्रेस, और हमारे साथ लेफ्ट से जुड़ गए हैं मोहम्मद अली शाह। सबसे पहले बादल देवनाथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये बंगाल में परिवर्तन नहीं बल्कि ये लेफ्ट का पुनर्जीवन है, और ये टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट ये तीनों की मैच फिक्सिंग है। देखिए प्रदीप जी, नकली रविंद्रनाथ आपने देखा है? मैं तो देख रहा हूँ हर दिन, नकली रविंद्रनाथ को देख रहा हूँ। दाढ़ी मूछे नहीं काटते, बाल भी नहीं काटते हैं, और ये नकली रविंद्रनाथ बन के घूम रहा है, पूरा देश घूम रहा है। देखिए बंगाल में आज उन्होंने शिक्षा का बात किया, बोला उन्होंने कह रहा है कि पूरा देश को शिक्षा के बारे में दिशा दिखाता है। आज भी बंगाल दिशा दिखाता है, लेकिन मोदी जी ने झूठ कह रहे हैं। उन्होंने रेशन का बात किया, लेकिन सितंबर महीने में रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने रेशन अभी भी दे रहा है। जून जुलाई तक रेशन फ्री रेशन चलेगा, बंगाल का सरकार दे रहा है। आवासन प्रकल्प का बात नहीं किया, आवासन योजना का बात किया है। आवासन योजना में देखिए अच्छा बादल देवनाथ जी, एक बात केवल बता दीजिए, आज हल्दिया में 4700 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास होना, जरा बताइए ना उसमें ममता बनर्जी क्यों नहीं आ रही है? 50 सेकंड टाइम किस बात की दिक्कत है? बोलने का मौका दीजिए, प्लीज 50 सेकंड। मैंने पूरा बोलने का मौका दिया आपको। आवासन योजना का नहीं, मुझे बाकी मेहमानों का भी रुख करना है, बाकी मेहमानों का भी रुख करना है। पूरा समय मिलेगा बादल जी, पूरा समय मिलेगा आपको, पूरा समय मिलेगा। मैं जान रहा हूं आप एक लंबी चौड़ी फेरिस्त बना कर आए। प्रेम शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं पीएम मोदी ने जितनी बातें यहाँ पर गिनाई हैं उनका ये लिस्ट लेकर जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि ममता बनर्जी ने आज पीएम के इस कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों कर दिया, ये नहीं बता पा रहे। देश को समर्पित करने आ रहे हैं, एक स्टेट की सीएम मना कर देती है मैं नहीं जाऊंगी कार्यक्रम में। प्रेम शुक्ला जी, ममता बनर्जी की निर्ममता जो है बेनकाब हो चुकी है, और किस तरह से बंगाल की जनता के विरुद्ध निर्ममता पर आमादा है, किस तरह से उन्होंने बंगाल की जनता को छला है, किस तरह से उन्होंने बंगाल में कुशासन किया है, किस तरह से बंगाल में भ्रष्टाचार का नंगानाश हुआ है, बीच में बोलिए बादल देवनाथ किया गया। प्रत्युष भाई एक देवनाथ जी पूरी लिस्ट गिना लीजिएगा, पहले जवाब सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी से जवाब सुन लीजिए, जवाब कह रहे थे कोई नहीं कह रहा था बीच में, ये शाब्दिक आतंकवाद है भाई। बंगाल के जो बजट में बंगाल ₹1000 करके बंगाल के लिए बजट में तो आपने कुछ नहीं दिया, कैसे बनेंगे? आप सोच हो गया, पूरा बंगाल अस्वच्छ हो गया। तो बंगाल की जनता जानती है झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, झूठ बोलते हैं। इतना आप अधैर्य क्यों हो रहे हैं? बजट पेश किया आप, उतना संयम क्यों हो रहे हैं? कुछ नहीं है, जल्दी से सिद्धू बनर्जी को भी लेकर के आइए स्क्रीन पर। सिद्धू बनर्जी जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में पता नहीं कौन सी मैच फिक्सिंग है, केरल में दुश्मन बन जाते हैं और बंगाल में आने के बाद दोस्त बन जाते हैं। ऐसा सबसे पहले मैं बता दूं, अगर बहस करें तो मेरा ऑडियो डाउन मत कर दीजिएगा। नहीं, ऑडियो डाउन नहीं होगा, बोलिए। सबसे पहले बता दूं कि हर हफ्ता बंगाल कांग्रेस को दिल्ली से आए हुए एक ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। अभी 23 तारीख को प्रधानमंत्री आए थे, उसके बाद अमित शाह जी आने वाले थे, आए नहीं, उसके बाद स्मृति ईरानी आए, फिर जेपी नड्डा आए, और फिर आज प्रधानमंत्री आए। तो बंगाल भाजपा के पास तो तृणमूल से आए हुए कुछ भ्रष्टाचारी नेता और दिल्ली के नेता, ये दोनों ऑक्सीजन के बलबूते पर एक कोविड आक्रांत बंगाल भाजपा। अब आप सवाल का जवाब दीजिए ना, बताइए, केरल में दुश्मन बंगाल में दोस्त, पीएम कह रहे हैं मैच फिक्सिंग चल रही है, क्या ये मैच फिक्सिंग कैसी है जरा बताइए? बात तो वही मैं देख रहा हूँ जी, मैं इतना एक बुजुर्ग को मैंने कभी नहीं देखा कि इतना डरपोक कर इतना झूठ बोलते हैं। कभी बोलते हैं देश के लोग साजिश कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं झूठ तो राहुल गांधी बोलता है,
देखिए देखिए राहुल गांधी नाम का जो बुद्धिहीन बालक है अरे वो झूठ बोलता है और उसे सर्वोच्च न्यायालय में शपथ नामा दायर करके सिद्धू बनर्जी जी मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया किस तरह की मैच फिक्सिंग है किस तरह की मैच फिक्सिंग है इसका जवाब आपने नहीं दिया। चलिए और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे यहाँ पर बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा, एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद शंखनाद में इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। चल लौट रहे हैं। तो आज हल्दिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पर लोगों ने काफी भरोसा किया, लेकिन ममता बनर्जी ने लोगों के साथ जो निर्ममता की है इस बार के इलेक्शन में, इस बार के चुनाव में, इस बार लोग टीएमसी को सबक सिखाएंगे। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। ममता दीदी ने बंगाल से परिवर्तन का वादा किया, उनके इस वादे ने पूरे देश का ध्यान खींचा, लोगों ने भरोसा किया। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली, निर्ममता मिली। ममता की अपेक्षा थी, निर्ममता का शिकार हो गया। लेकिन ममता सरकार के पहले साल में ही ये साफ हो गया कि बंगाल को जो मिला है वो परिवर्तन नहीं, ये तो लेफ्ट का पुनर्जीवन है, और वो भी ब्याज समेत। मोहम्मद अली शाह जी, सुना आपने क्या कहा पीएम मोदी ने? कह रहे हैं कि ये ममता का परिवर्तन लेफ्ट का पुनर्जीवन है, वो भी सूद समेत। प्रधानमंत्री ने बोला है, सब उनकी इज्जत करते हैं, इसके आगे हम आगे क्या बोले, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज उत्तराखंड में दुर्घटना हुई है बहुत जबरदस्त, और हमारे लिए कि प्रधानमंत्री साहब असम में और बंगाल में भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ट्विटर बोल रहा है, तो उनको भी ख्याल रखना चाहिए सेंसिटिविटी का कि भाई क्योंकि जाहिर सी बात यहाँ पे वो कैंपेनिंग कर रहे हैं कि वही उनके खिलाफ ना चले जाए, कोई यहाँ वो देखें कि भाई ये यहाँ पे कैंपेनिंग। लगता है कि मोहम्मद अली शाह जी आपने ट्विटर देखा नहीं पीएम का, या फिर पीएम का वो बयान नहीं देखा जब सुबह सुबह ये हादसे की खबर आई थी, तुरंत केंद्र से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया गया, एनडीआरएफ की टीम रवाना भी हो गई। बात हो रही है पंजाब, बात हो रही है बंगाल के चुनाव की। मोहम्मद अली शाह जी, ये लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी के बीच में जो गठजोड़ है, जो खिचड़ी पक रही है, जो पीएम मोदी ने भी कहा कि जरा मैच फिक्सिंग क्या, ये भी बता दीजिए। मैच फिक्सिंग क्या, ये मैं आपको प्रधानमंत्री के ही की भाषा में बोलता हूँ। उन्होंने बोला था कि जब बीजेपी सत्ता में आई थी और लोगों ने बोला कि नहीं टैम्परिंग हुई है, ये हुआ है, लोगों ने इल्जाम लगाए थे, तो उन्होंने कहा था कि तो वही बात हुई, ये प्रधानमंत्री की शब्द है कि जब बोलिए क्रिकेट मैच जो हार जाता है वो बोलेगा नहीं नहीं बेमानी हुई है। विशाल जी, सबसे ज्यादा टेम्परिंग को लेकर सब जानते हैं, जैसे चुनावी हार हुई कि साहब उस पर कुछ छेड़छाड़ कर दी गई, कहां से सबसे ज्यादा राग लापा जाता है लोगों को पता है। विशाल जी, आप घबरा क्यों रहे हैं? अरे मान्यवर, आप साफ साफ इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि आपका पर्दे के पीछे से गठबंधन चल रहा है? आप ये बताइए, जो ममता बनर्जी जी ने जिस परिवर्तन का वादा किया था, क्या उन्होंने लेफ्ट के उन्हीं मापदंडों को नहीं फॉलो किया? पॉलिटिकल मर्डर, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, किसकी दे रहे? जवाब दीजिए, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन किसने किया? एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स का मोहरा किसने बनाया? तुष्टिकरण को किसने बनवाया? आज ये टीएमसी नहीं है, आज इसका नाम है ट्रिपल टी, तुष्टिकरण, तोलाबाजी और तानाशाही। आप ये बताइए, बहुत बड़े किसानों के मसीहा बनते हैं आपने, जो आपके यहाँ से 25 लाख किसानों ने आवेदन किया, आपने उसका वेरिफिकेशन नहीं किया, पहले तो पीएम किसान योजना नहीं चलाई, कह रहे हैं कि हम कुछ दे रहे हैं, अरे वो भी 6,000 ऐड हो जाता तो आपको क्या डरता? आपने रिपोर्ट पढ़ी? मुझे लग रहा है इसका जवाब बादल देवनाथ जी देंगे। बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी,
माधव वंदना जी, किसानों के मसले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आखिर पीएम किसान निधि योजना का फायदा बंगाल के किसानों को देने से क्यों महरूम रखा। एक्सीडेंटल डेथ इंडिया 2019 की रिपोर्ट है, ADSI 12,665 किसानों ने आत्महत्या की, सबसे ज्यादा कलकत्ता में है। कोई जवाब NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है 2018 की रिपोर्ट, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर पश्चिम बंगाल में 14। है कोई जवाब 2200 बीजेपी के कार्यकर्ता मार दिए जाते हैं। आज भी घटना घटी। प्रेम शुक्ला जी ये उसी लेफ्ट की परिपाटी पर चल रही है टीएमसी। 3 दशक से ज्यादा समय तक काम किया लेफ्ट ने, 10 साल तक टीएमसी और उसी परिपाटी पर, उसी रक्त रंजन राजनीति को बढ़ाया। प्रत्युष जी यही ममता बनर्जी रोया करती थी 2012 के पहले, 2011 के पहले, किस तरह से लेफ्ट के लोग उनके कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। स्वयं ममता बनर्जी की पिटाई हुई थी और ममता बनर्जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय ममता बनर्जी ने सत्ता हासिल करने के बाद जिस तरह से उसी परंपरा को जारी रखा, जिस तरह से विपक्षी कार्यकर्ताओं के ऊपर हिंसक हमले हुए, हत्याएं हुई, उनके परिजनों के साथ बलात्कार जैसे निर्मम घटनाएं हुई, और आज ही आप देखिए ना हल्दिया में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सभा में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले और उन कार्यकर्ताओं पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गुंडों ने हमला किया। ये इतना जो है राजनीतिक हिंसा फैलाने का कारण क्या है? स्वयं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने 100 कार्यकर्ताओं का निर्की हत्या की गई थी, उनका तर्पण का कार्यक्रम किया, 100 कार्यकर्ताओं के परिजन उस तर्पण के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। ये इस बात का प्रमाण है कि पूरी तरह से ममता बनर्जी अपने पूर्ववर्ती लेफ्ट पार्टी के पद चिन्हों पर चलने पर। सिद्धू बनर्जी जी चुनाव में राजनीतिक बयानबाजी जमकर होती है, हर किसी को हक है, हर किसी को पूरा हक है चुनाव प्रचार करने का, अपनी बातों को रखने का, जनता तय करेगी, लेकिन इतनी राजनीतिक शिष्टाचार तो रखनी चाहिए। कभी जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हो जाता है, कभी अमित शाह के काफिले पर हमला करने की कोशिश होती है। आज हल्दिया में बीजेपी के कार्यकर्ता जो जा रहे थे पीएम की जनसभा में शामिल होने, मेदिनीपुर में हमला हुआ उन पर। किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम पर हमला होता है तो उसका हम लोग निंदा करते हैं। वो अगर राहुल गांधी को हथरास पे जमीन पे फेंक दिया जाता तब भी हम तृणमूल का यही हमला हुआ था, हिंसा की राजनीति है, इसी का सबसे बड़ा गठबंधन किया था, या टीएमसी ने निंदा किया था, या जो भी कल्पित थे उनके खिलाफ कोई चार्जशीट सबमिट हुई? बताइए दिया जाता है कि नहीं 30% लोग डिसाइड करते हैं 70% लोगों के साथ क्या किया जाएगा। ये क्या है? आज टीएमसी पश्चिम बंगाल में अहिंसा की पुनरावृत्ति बन गई है। आज साल्ट लेक में रोहिंग्या कहाँ से है? साल्ट लेक में रोहिंग्या कहाँ से है? बताइए, आपकी पुष्टिकरण नहीं है तो क्या है? दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए आपकी परमिशन लेनी पड़ती है। 30% लोगों के प्रत्यक्ष लिया पड़ता है। ये पुष्टिकरण नहीं तो क्या है? साल्ट लेक में रोहिंग्या कहाँ से है? आपकी बोलियों को वेतन दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? बाकी घर के प्रेम शुक्ला जी राम के नाम से चिढ़ है ममता दीदी को और टीएमसी को, लेकिन उसी ममता सरकार के मंत्री जाकर राम और सीता के मंदिर का उद्घाटन करते हैं, तो क्या वो वोट बैंक की राजनीति नहीं है? निश्चित तौर पर देखिए, वोट बैंक की राजनीति स्वयं ममता बनर्जी जो है सरकारी मन से ला इलाहे इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह कहती है तब उसमें धार्मिक राजनीति नहीं है। और जय श्री राम का नारा सुनते ही वो कहती है हम आपके चमड़े निकलवा देंगे। क्या मुगल शासन है? क्या औरंगजेब की आत्मा जो है ममता बनर्जी में प्रवेश कर रही है?
ये सवाल है ना। बादल देवना जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बादल देवना जी एक बार फिर से जरा कहिए ना, एक बार फिर से कहिए, एक बार फिर से कहिए ना, जय सियाराम। बड़ा अच्छा लग रहा है। ममता दीदी तो नहीं बोलती, आप ही बोल दीजिए कम से कम। ममता दीदी तो नहीं बोलेंगे, आप ही बोल दीजिए कम से कम। जय श्री राम बोलिए ना। जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उनका नाम लेने से आपको डर लगता है कि हमारा वोट बैंक रह जाएगा, तो अब आप इस बहकावे में मत रहिए कि आपको कहा तुष्टिकरण की रागी भी कहा जाएगी। आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम से आपको क्यों डर लगता है, आपको क्यों आपत्ति होगी बताइए। जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों दिक्कत है? अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो आदर्श है हमारे, आपको उनके नाम से दिक्कत है? नहीं, ये आपकी पुष्टिकरण की राजनीति है कि हमसे 28-30% वोट बैंक खिसक जाएगा, तो वो वैसे खिसक गया है। आज वो टीएमसी, कांग्रेस और एएमआईएम के प्यार के ट्रेंडिंग में आ गया है। टीएमसी कहती है हमने मौलवियों को वेतन दिया, कांग्रेस कहती है हमने तुम्हें पुस्तक पल्लव किया, एएमआईएम कहती है हमारा तुम्हारा तो खाना नहीं रहता है। दादा आप निश्चित रहिए, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं होने वाली। आज शंखनाद में, समय यहीं पर खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए चुनाव चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप भी चलता रहेगा, लेकिन राजनीतिक शिष्टाचार तो होना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के रोहतक से, जहां से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। हरियाणा के रोहतक से आई ये हैरान करने वाली तस्वीरें, नाइट्रोजन से भरे गुब्बारे में आग लग गई जिसमें कई लोग झुलस गए। बैलून में आग लगने से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर झुलस गए हैं। सांसद डॉक्टर रविंद्र शर्मा की पत्नी और बेटी भी झुलस गई है। 85 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के उद्घाटन समारोह के दौरान ये हादसा हुआ है। ये देखिए, ये हरियाणा के रोहतक से ये तस्वीरें सामने आई हैं, काफी हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। नाइट्रोजन से भरे गुब्बारे में ये आग लगी और इसकी चपेट में कई लोग आ गए, कई लोग झुलस गए। बैलून में आग लगने की वजह से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर झुलस गए, सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की पत्नी और बेटी भी झुलस गए। 85 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के उद्घाटन समारोह के दौरान यह हादसा पेश आया। अचानक से उस गुब्बारे में आग लग जाती जिसकी जद में कुछ लोग आ जाते। चलिए बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, जल लौट रहे हैं, आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ। टिकैत ने तोड़ा किसान आंदोलन, सिंघू और टिकरी बॉर्डर से टिकैत की बगावत, बॉर्डर बढ़ गया किसान आंदोलन। टिकैत के चक्रव्यूह में फंसे किसान नेता, नायक नहीं खलनायक है टिकैत। देखिए मेरे साथ शाम 6:57 पर सिर्फ इसी हिंदुस्तान पर।